हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिंप्लीफाइड स्टडीज़ में। आज कल जो हमने पढ़ा था वो था आपका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, हम उसी चीज़ को मतलब अपना अंडरपिनिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हम फर्दर जो है आगे जो है बढ़ा रहे हैं। ठीक है, फर्दर हम आगे स्टडी करेंगे उसकी। ठीक है, तो कल जो हमने पढ़ा था वो था आपका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, उसमें पता चल गया था कि जो कि मॉर्ले मिंटो क्यों नाम रखा गया था, क्योंकि गवर्नर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स आपके उस समय बनाना शुरू कर दिए गए थे। ठीक है, तो उनके द्वारा जो भी स्टडी की गई और जो भी चेंजेस किए गए वो उसके अंडर में आपका आता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से आपका दूसरा एक्ट आया था उसके ठीक 10 साल बाद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। बट इसका जो है दूसरा जो बहुत ही फेमस नाम जो दिया गया था, ठीक है, एक तरह से कह लो साइंटिफिक फॉर्म में, जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आप साइंटिफिक नेम पढ़ते हैं और इसका कॉमन नेम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम दिया गया था मोंटेगू चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, मोंटेगू चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, अब देखो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो था उसी तरह से ये भी आपका उसी टाइप का एक रिफॉर्म ही है। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ के होंगे कि इसमें वायसराय कौन है और आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है। ठीक है, तो सिंपल सी बात, मोंटेगू क्या हो जाएगा, कल की बात याद करो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक, जो कि ब्रिटिश एम्पायर से जो है डायरेक्ट अपॉइंट किया जाता है। चेल्म्सफोर्ड आपका वायसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब देखो इन्होंने अपने हिसाब से जो है कुछ चीज़ें करनी चाहिए, कुछ चीज़ें करने की शुरू की। ठीक है, जिससे कि जो है कि आपका कंट्रोल बेहतर हो सके। ठीक है, गवर्नमेंट और बेहतर तरीके से इफ़िशिएंट तरीके से आपका वर्क कर सके। ठीक है, तो वही सारे रिफॉर्म्स आपके यहाँ पे जो है यूटिलाइज किए गए हैं या फिर यूज़ किए गए हैं। ठीक है, वही सारे रिफॉर्म्स आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। ठीक, अभी बता रहा हूँ मैं कि ये सारे केवल एक बेसिक नॉलेज है। ठीक है, अगर आपको इनके बारे में और ज़्यादा पढ़ना है तो आप दूसरी वेबसाइट्स पे जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आपको कहीं बहुत ही बेहतरीन बुक मिल जाए तो भी जो है सही है। सबसे ज़्यादा आपको जो है इस समय जो बुक आपको जो है सबसे बेहतरीन मानी जाती है वो होती है एम लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी की। ठीक है, उसमें आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, सारी चीज़। बट उसके पढ़ने के पहले आपको पता होना चाहिए कि उसमें किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको पढ़ने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद से ही आपको पता चले कि पॉलिटिक्स में एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, तो मैं वही चीज़ उसी चीज़ को यहाँ पे आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप एक बार लेक्चर देखेंगे तो उसके बाद से आप उसे जाके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको पता रहेगा कि यहाँ क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है उसमें। ठीक, चलो अब शुरू करते हैं कि अब इन्होंने क्या क्या चीज़ किए, क्या क्या चीज़ नहीं किए। ठीक, सबसे पहले जो है इन्होंने एक फॉर्म जो है एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है एक प्रोवाइड किया। ठीक है, जिसको नाम दे दिया जाता था डायरची। ठीक है, फॉर्म ऑफ गवर्नेंस आप कह सकते हो इसे। ठीक, डायरची जो है आपका फॉर्म ऑफ गवर्नेंस था, इसमें डुअल स्कीम थी। ठीक है, मतलब कि जो कि अब बताते हैं कि डायरची में एक्चुअल में था क्या। ठीक, तो डायरची नेम दिया गया है उस एक पर्टिकुलर फॉर्म को। ठीक है, एक तरह से ये एक्सपेरिमेंट था उनका कि गवर्नमेंट को अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें। ठीक है, दो पार्ट्स में, पहली चीज़ तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें। ठीक, यानी कि एक तरफ आपका सेंट्रल और दूसरी तरफ आपका प्रोविंशियल, सेंट्रल एंड देन प्रोविंशियल। ठीक है, मतलब कि जो अपना अलग अलग प्रोविंस है उसका अपना एक लोकल सेल्फ गवर्नेंस होगी। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होगी और जो सेंट्रल पे गवर्नमेंट है वो इन सारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स के ऊपर कंट्रोल रखेगी। ठीक है, ये आपका डायरेक्टरी जो कि आज के पर्टिकुलर फॉर्म में है। ठीक है, हम देखते हैं कि आपके जितने भी स्टेट्स हैं सारे स्टेट्स के अपने चीफ मिनिस्टर्स और बाकी अलग मिनिस्टर्स होते हैं, मतलब कि उनका एक अपना कैबिनेट होता है। ठीक, फिर उसके बाद से उन सारे कैबिनेट के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यानी चीफ मिनिस्टर्स, वो किसको जाके
ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं या रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को जो कि पार्लियामेंट में, ठीक है ना। तो वही फॉर्म, ये डायरेक्टरी फॉर्म जो है उस पर्टिकुलर टाइम पे जो है आपका एक्सपेरिमेंट में लाया गया था कि हाँ इससे हो सकता है चीज़ें अच्छी हों, बट उस समय ये आपकी अनसक्सेसफुल हुई थी, ठीक है। या फिर दूसरा सिंपल नेम दे दो, फेल हो गया था, ठीक है। ये रिफॉर्म उस समय नहीं चल पाया था, मतलब कि ये सिस्टम ऑफ गवर्नेंस नहीं चल पाया था। फिर भी हम देख लेते हैं कि इसमें जो है आपका क्या मतलब जो है सिस्टम जो है चलाया गया था, ठीक है। तो इसमें इन्होंने कहा था कि जो कि आपकी प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, यानी कि प्रोविंशियल आपका जितनी भी आपकी अथॉरिटीज़ वगैरह है, सॉरी प्रोविंशियल जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपकी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उन सारी चीज़ों का जो कंट्रोल है, ठीक है, वो दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक का आपको कह देते हैं हम ट्रांसफर्ड, ठीक है, और एक हम कह देते हैं आपका रिजर्व्ड, ठीक। अब देखो ट्रांसफर्ड और रिजर्व में डिफरेंस क्या है। ट्रांसफर्ड जो था, ठीक है, ट्रांसफर में जो भी आपकी चीज़ें होती थी, जो भी आपके डिसीजंस मेकिंग होते थे या फिर कोई भी आपकी जो पॉलिसी बनाई जाती थी वो गवर्न की जाती थी आपका गवर्नर के द्वारा, ठीक है। देखो गवर्नर के द्वारा पूरी चीज़ें कंट्रोल की जा रही हैं, ठीक है, यानी पूरा प्रोविंशियल ही गवर्नर के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, बट एडिंग किसकी होगी, एडिंग मतलब कि किसके रिकमेंडेशन या फिर किसके जो है साथ में रह के, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते थे गवर्नर प्लस जो आपकी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। गवर्नर और जो आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, ठीक है, उसके मेंबर्स यानी कि मिनिस्टर्स वगैरह, जैसे कि जो आपका गवर्नर हो गया इंडिया का और आपका क्या नाम है स्टेट के जो भी आपके मिनिस्टर्स हैं, जो भी कैबिनेट है, ठीक है, उन दोनों के द्वारा जो है उन दोनों के कोरिलेशन में कोऑर्डिनेशन से जो भी आपकी चीज़ें कंट्रोल की जा रही हैं उनको डाल दिया गया आपका ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में, ठीक है। दूसरा आपका जो रिजर्व सब्जेक्ट था, ठीक है, उसमें क्या था कि गवर्नर और जो आपकी सेंट्रल आपकी जो पार्टी थी, ठीक है, जो मतलब कि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के टाइप में थी, यानी कि जिसे हम कहेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी आपकी, उन दोनों के मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल किसकी, गवर्नर की। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल अभी तक पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, तो अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और गवर्नर खुद ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन करके रिकमेंडेशन वगैरह करके रिजर्व आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके डिसीजंस को कंट्रोल करते थे, ठीक है। तो ये आपके रिजर्व में था और ये आपका ट्रांसफर्ड में था, ठीक है। तो यही आपका जो है डायरेक्टरी आपका बनाया गया था, इसी इसी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस को हम जो है डायरेक्टरी कहते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ देखो, एक चीज़ यहाँ पे जो मतलब थोड़ा सा बर्डन टाइप की हो गई थी वो थी गवर्नर पे, ठीक है, मतलब कि गवर्नर को दोनों में इंटरफेरेंस करना है, यानी कि दोनों में वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है, रिजर्व में भी देखना पड़ रहा है, ट्रांसफर में भी देखना पड़ रहा है, ठीक है। तो एक कारण ये हो सकता है कि वहाँ पे जो है लोड ऑफ मतलब जो है लोड ऑफ एक्सरसाइज जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है, तो इस कारण से जो है आपका मतलब ये चीज़ जो फेल हो सकता है। दूसरा एक और कारण हो सकता है कि जैसे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, आपके जो वहाँ के इंडियन मिनिस्टर्स होंगे उनके द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा किए होंगे। तो आप वहाँ पे उस पर्टिकुलर टाइम पे ये हो सकता है मतलब कि ये केस हो सकते हैं, केवल जो मेरे थॉट से मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है, एक्चुअल में क्या हुआ था इस बारे में बात नहीं हो रही है, ठीक है। मे बी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो उस समय उस पर्टिकुलर टाइम के जो इंडियन आपके मिनिस्टर्स थे, ठीक है, वो अपने फेवर में जो है आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाना शुरू कर दिए होंगे, या फिर जो भी बजट आपका जो है डिसाइड हो रहा है स्टेट का उसमें बहुत सारी इधर उधर की बातें होकर जब वो अपने फेवर में उसे बनाने की कोशिश किए होंगे, ठीक है। तो इस कारण से मे बी पॉसिबल हो सकता है कि ये कारण भी हो सकता है कि डायरेक्टली आपका फेल हो गया हूँ, ठीक है।
तो ये कारण हो सकते हैं। तो ये डायरेक्टरी थी और उसमें उसके अंडर में ये चीज़ आती थी, ठीक है। तो पर ध्यान रखना कि लोकल सेल गवर्नमेंट स्टार्टिंग कब से हुई थी, आपकी मोंटेगो चेल्फोर्ड रिफॉर्म्स के द्वारा, कब, 1919 में, या फिर GOI एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टर्म आपका जो आता है, ये टर्म आपको खुद पहले जो है आप कहीं जो है मतलब जो है सर्च करो और पढ़ो उसे, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। कैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शंस, इनकी इंट्रोडक्शन अभी हुई, ठीक है। पहली बार जो है उन्होंने जो है कंट्री में बाई कैमरलिज्म और जो है आपका डायरेक्ट इलेक्शन जो है आपका यहाँ पे लाया गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि इंडियन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था, ठीक है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर में जो डिवाइड हो गया, जिसमें एक अपर हाउस आता है और एक लोअर हाउस आने लगा, ठीक है। यानी कि जो आपका इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल था, ये आपके किस में किस में हो गए, ठीक है। नाम दे दिया अपर हाउस, बेसिकली ये चेंज हो गया किस में, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। फिर इसके फर्दर ये डिवीजन थे, ठीक है, यानी कि अपर हाउस बना और लोअर हाउस बना। अपर हाउस को नाम दिया गया था काउंसिल ऑफ स्टेट, जो कि आज के समय में आप कह सकते हो पार्लियामेंट, ठीक। और जो आपका लोअर हाउस था उसे कहा गया था लेजिस्लेटिव असेंबली, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स के लिए थी, जैसे कि आज के समय हमारे लिए क्या है, लोकसभा। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट में जो आज के समय है जो लोअर हाउस है उसे कहते हैं हम लोकसभा, और जो अपर हाउस है वो राज्यसभा, ठीक है। देखो दोनों दोनों में पहले पहले मैं भी बहुत कंफ्यूजन होता था कि लोकसभा बड़ा है कि राज्यसभा बड़ा है, बट इस समय जो है थोड़ा सा देखो, राज्यसभा, राज्यसभा का मतलब क्या हो गया कि राज्यों की सभा, ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हो। हो सकता है मैं अभी भी गलत बोल रहा हूँ, तो एक बार खुद क्लियर कर लेना इसे कि राज्यसभा क्या है और लोकसभा क्या है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये चीज़ समझना, लोकसभा क्या है और राज्यसभा क्या है, ठीक है। तो एक तरह से आपको ये चीज़ भी आपको आज पढ़नी है, ठीक, तो इसको सर्च करके पढ़ना जरूर, ठीक है। चलो फिर उसके बाद से जो है आपका बाई कैमरल लेजिस्लेचर होने के बाद से क्या हो गया कि जो डायरेक्ट इलेक्शन है, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या हो कि डायरेक्टली अब किसी को जो है आप वो रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, सबकी मनमर्जी से आप डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपके मेंबर्स को। तो इलेक्टेड मेंबर्स आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपके बढ़ने शुरू हुए, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट क्या थी, ठीक है ना, रिक्वायरमेंट क्या थी कि हाँ जो है किस तरीके से आपका जो है ये डायरेक्ट इलेक्शन काम कर रहा है, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ जो मेंबर्स थे जो बोथ हाउस के, वो तो जो है डायरेक्ट इलेक्शन से चूज किए जा रहे थे, ठीक है। बट रिक्वायरमेंट क्या थी, तो रिक्वायरमेंट ये थी, अब जैसे देखो सबसे बड़ा काउंसिल क्या था उस समय, वाइस राय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। वायसराय के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे वही आपके सबसे बड़े मेंबर थे, तो पार्शियलिटी ना रखे, ठीक है। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि 6 में से 6 मेंबर जो उनके काउंसिल में थे, ठीक है, उनमें से 3 जो मेंबर्स थे, ठीक, 3 मेंबर जो थे उन्हें उन्होंने इंडियन रखा, मतलब कि इंडियन को ये वहां पे आपका राइट देना शुरू हुआ कि 3 मेंबर जो होंगे 6 में से वो आपके इंडियंस ही होंगे, ठीक है। बट एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, एक जो पोस्ट थी वो आपका इंडियंस को नहीं दी गई, वो था कमांडर इन चीफ, मतलब जो कमांडर था वो अभी भी आपका ब्रिटिश इंडिया का ही रहेगा, ठीक है। आप उसे मतलब आप उसकी पोजीशन पे नहीं रखे जा सकते, ठीक। तो ये चीज़ आपका जो है
उस पर्टिकुलर समय में वायसराय के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें चेंजेस किए गए, जिससे कि पार्शियलिटी खत्म हुआ और डायरेक्ट इलेक्शन आपका मतलब कि देखने में नजर आए, ठीक है। फिर उसके बाद से इन्होंने जो है आपका उसी पर्टिकुलर टाइम पे इन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का स्टार्टिंग रखा, यानी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की फाउंडेशन रखी इन्होंने, ठीक है। अब देखो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ पढ़ा था, ठीक है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है। मैंने ये कहा कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की नींव रखी यहाँ पे, फाउंडेशन रखी, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि ये दोनों आपके फादर ऑफ कम्युनल हो गए, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हो गए, ठीक है, या फिर इलेक्टोरेट हो गए। फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कौन थे याद करो, कल कौन थे, कल ही हमने पढ़ा इसे, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, किसे कहा गया था, लॉर्ड मिंटो कहा गया था, ठीक है, तो ये चीज याद रखना, ठीक है। तो लॉर्ड मिंटो आपके फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट थे, ठीक है। फिर उसके बाद से इन्होंने उसी फर्दर उसी चीज़ को जो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और बढ़ाया आगे, ठीक है। इन्होंने किसके लिए बेसिकली किया था, मुस्लिम्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हुआ वो आपका शुरू हुआ अलग फोर पार्टीज़ के लिए, जो जो थे आपके सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, मतलब जो इंडिया के क्रिश्चियन रहने वाले थे, ठीक है, एंग्लो इंडियंस, और आपका यूरोपियंस। एंग्लो इंडियंस के बारे में अभी अभी एक करंट अफेयर्स की न्यूज़ आई है, ठीक है, जिसमें जो है प्रेसिडेंट ने जो है इनकी क्या कहते हैं रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया है, ठीक है। वो आप करंट अफेयर एक बार जो है देख लेना, ठीक है, रिजर्वेशन के ऊपर है, ठीक है। तो अब वो एंग्लो इंडियंस के जो है आप यहाँ से वो कर सकते हो, ठीक है, कनेक्ट कर सकते हो, कनेक्ट द डॉट के तौर पे जो है यहाँ पे कर सकते हो कि एंग्लो इंडियंस को रिप्रेजेंट करने का अलग से एक नया मतलब जो है जगह कब मिला था, ठीक है, तो वो इस रिफॉर्म के तौर पे मिला था उन्हें, ठीक। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड करके जो पढ़ते रहोगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब ज़्यादा आसान रहेगा समझने में, ठीक है, चलो, ठीक है। तो उन्हें भी जो है आपका जो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देने का एक वो दे दिया गया, मतलब कि एक जगह दे दी गई उन्हें भी पार्लियामेंट में, या फिर जो है कह लो कि उन्हें काउंसिल में जो है जगह देने के लिए एक अलग से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देना शुरू किया, मतलब कि अलग अलग कम्युनिटी की अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। बेसिकली ये प्रोविंशियल में ही होंगे, ठीक है, आपके सेंट्रल लेवल पर जो है ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है, चलो। फिर उसके बाद से इन्होंने जो है आपका कंट्रोल करने के लिए, जो आपका यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट है इसको कंट्रोल करने के लिए एक हाई कमिश्नर, हाई कमिश्नर अपॉइंट किया, ठीक है, हाई कमिश्नर या फिर कह लो हाई कमीशन था। ये एक नया ऑफिस अभी जो है जनरेट किया गया था जिसका हेड क्वार्टर था आपका लंदन में, ठीक है। इन्होंने हाई कमिश्नर को जो बनाया और उसको जो है आपका लंदन में जो है इस्टेब्लिश किया, ठीक है। वो क्या करता था आपकी जो है सारी चीज़ों को यहाँ पे कंट्रोल करता था, ठीक। अब देखो यहाँ पे आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो चीज़ यहाँ पे शुरू हुई, ठीक है, जो आज के समय की जो है सबसे हाईएस्ट वैल्यू रखती है, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, जिसे आप आज के समय में नाम जानते हो यूपीएससी, यूपीएससी, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। ये उस समय पे सेंट्रल पब्लिक का सर्विस कमीशन था, सेंट्रल पीएससी था, सीपीएससी था, ठीक है। तो ये चीज़ आपका 1926 में इस्टेब्लिशमेंट इसकी हुई, ठीक है, 1926 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट रखी गई, किसके लिए, टू रिक्रूट सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। मतलब कि आपका जो आईएएस की शुरुआत हुई थी या फिर जो है सेंट्रल
मतलब जो यूपीएससी की शुरुआत हुई थी, एक्चुअल में जो सिविल सर्विसेज की जो शुरुआत हुई थी वो आपका 1926 से स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक चीज़ अभी जो है यहाँ पे मैं अभी बता दे रहा हूँ, जो कि मतलब 2026 के लिए है। एक्चुअली 2026 में यूपीएससी को 100 इयर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखो कि 2026 में इस पे तकरीबन हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि जो यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, या फिर यूपीएससी की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी, ठीक, या फिर किसके अंडर में हुई थी। ठीक, तो ये चीज आप अभी से ध्यान रखो। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखना, फिर उसके बाद से यूपीएससी के बारे में उस पर्टिकुलर टाइम पे पढ़ जरूर लेना। ठीक है, आज से 5 साल की बात हो रही है, बट फिर भी अभी से ध्यान रखोगे तो ज्यादा सही होगा। ठीक है, उसके बाद से देखो फिर आपका जो है क्या हुआ कि जो है आपका फर्स्ट टाइम जो है आपके प्रोविंशियल जो बजट थी वो सेंट्रल बजट से अलग अलग कर दी गई। ठीक है, मतलब कि जो है कि आपका जो बजट था, बजट फॉर्मेशन था, वो आपका दो पार्ट में कर दिया गया। ठीक है, प्रोविंशियल, अब देखो जब गवर्नमेंट जो है दो पार्ट में हो गई थी तो फिर जो है ऑब्वियस सी बात है आपका बजट भी दो पार्ट में होगा, यानी कि जो नेशनल लेवल पे जितने भी वर्क होने थे, ठीक है, वो सेंट्रल लेवल के अंदर में आ गए, और जो आपका स्टेट लेवल या फिर प्रोविंशियल लेवल पे जो है आपके जो वर्क होने थे वो सारे प्रोविंशियल में आ गए। ठीक है, तो वो सारे बजट आपका प्रोविंशियल बजट में आ गए, वो और बाकी जो बजट थी वो सेंट्रल बजट में आ गए। तो दोनों अपने अपने बजट जो है आपके ऑथराइज कराएंगे आपके जो मतलब जो है क्या नाम है गवर्नेंस काउंसिल है वहां से। ठीक है, तो बजट का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ। एक चीज और जो यहाँ पे करंट अफेयर्स की जो है करंट अफेयर्स के रूप में जो आपका एक ऐड हो जाएगा कि 2019 में, ठीक है, 2019 में GOI एक्ट 1919 को 100 साल हो गए। ठीक है, 100 ईयर्स हो गए, तो अब जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो इस पे आ सकते हैं। ठीक है, वो मोंटेगु चेम्सफोर्ड पे आ सकता है। ठीक है, तो कॉम्पिटेटिव में कंपटीशन में आप ध्यान रखना कि मोंटागे चेम्सफोर्ड पे कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, तो ये था आपका आज का पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, GOI एक्ट आपका 1919, मोंटागु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक, इसके बाद से आपका जो है इम्पोर्टेंट आपके दो एक्ट आपके इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट वाला एक्ट जो आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का है वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट इसके बाद से आपके जो दो एक्ट इम्पोर्टेंट हैं वो है साइमन कमीशन। मैं अभी से बता दे रहा हूँ जिससे कि आप थोड़ा बहुत उसमें पढ़ लो। साइमन कमीशन, ठीक है, और जो है आपका GOI एक्ट 1935। ठीक है, ये दोनों एक्ट आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग पे। ठीक है, तो इसे ज़्यादा ध्यान से पढ़ना, खास करके साइमन कमीशन को ज़्यादा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, और आज के लिए जो आपका होमवर्क है, जो जो वर्ड्स आपको ढूंढने हैं, सबसे पहले आपको वर्ड ढूंढना है क्या, फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम किसे कहते हैं, ठीक है, उससे क्या समझते हो आप। ठीक, और दूसरा बाइकैमरलिज्म, ठीक है, बाइकैमरल किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड्स आपको जो है खुद सर्च करने हैं, खुद आपको पढ़ने हैं। ठीक, चलो तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।